गणेश चतुर्थी ये पर्व भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और इसे समृद्धि, आशा और नए प्रारंभ का त्यौहार माना जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के ऐतिहासिक महत्व से लेकर आधुनिक रूप में होने वाली भव्यता के बारे में। गणेश चतुर्थी से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं और इसके उत्पत्ति के पीछे कई कथाएं हैं। सबसे प्रमुख कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर के उपटन से बनाया और उन्हें आदेश दिया कि जब वे स्नान करें तो किसी को अंदर ना आने दें। इस बीच भगवान शिव वहां पहुंचे और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया, लेकिन बाद में माता पार्वती के कहने पर हाथी के सिर से गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया और तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व तब और बढ़ गया जब इसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। 1893 में उन्होंने इस पर्व को सार्वजनिक रूप दिया ताकि सभी हिंदू एकजुट हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ होकर लड़ें। तिलक जी का यह कदम एक बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक बना जिससे गणेश चतुर्थी पूरे देश भर में लोकप्रिय बन गया। मुंबई के गणेश चतुर्थी में एक नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, लाल बागचा राजा। इसे नवसाचा गणपति और इच्छा पूर्ति करने वाले गणेश के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस गणपति के प्रतिमा के पहले दर्शन से ही गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। लाल बागचा राजा की स्थापना मुंबई के पड़ेल क्षेत्र के पुतलाबाई चौक में की जाती है। लाल बाग का इतिहास 1900 के दशक से शुरू होता है जब यह इलाका मुंबई के प्रमुख कपड़ा मिलों का केंद्र हुआ करता था। उस समय इस क्षेत्र को गिड़न गांव या मिलों का गांव कहा जाता था। 1930 के दशक में औद्योगिकीकरण के चरम पर कपड़ा मिलों में भारी बदलाव आए जिसमें स्थानीय निवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे और तभी उन्होंने अपने प्रिय देवता भगवान गणेश से सहायता की प्रार्थना की। सौभाग्य से स्थानीय समुदाय को एक जमीन का टुकड़ा मिलता है। इस उपलब्धि के पीछे भगवान गणेश की कृपा मानी जाती है जिसने उन्हें उन कठिन समय में उबारने में मदद की। उसके बाद वहां के निवासियों ने भगवान गणेश को आभार प्रकट करने के लिए वहां पे एक भूमि का हिस्सा गणेश जी को समर्पित किया और तभी से भगवान गणेश वहां पे लाल बागचा राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लाल बागचा राजा की जो मूर्ति होती है वो बहुत ही विशाल होती है और हर साल इस मूर्ति को बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है। यह प्रतिमा लोगों की श्रद्धा का केंद्र होती है और भक्तों का मानना है कि लाल बागचा राजा हर किसी की इच्छाएं पूरी करते हैं। यहाँ आने वाले लोग इस गणपति को नवसाचा गणपति कहते हैं जिसका अर्थ होता है इच्छा पूर्ति करने वाला गणेश। गणेश चतुर्थी के 10 दिन में यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान गणेश से आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। उनकी पूजा हर शुभ कार्य के पहले की जाती है ताकि कोई भी बाधा उन कार्य को प्रभावित ना कर सके और गणेश जी बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। उनका हाथी का सिर और मोटा पेट जीवन के कई गहरे अर्थों को दर्शाता है। हाथी का सिर शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है जबकि बड़ा पेट धैर्य और जीवन के समृद्धि का प्रतीक है। गणेश जी के चार हाथ जिसमें एक त्रिशूल, एक मोदक, एक माला और चौथे कमल का फूल है जीवन के चार महत्वपूर्ण स्तंभों को दर्शाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 10 दिनों के पूजा के बाद गणेश चतुर्थी का सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है जिसे हम गणेश विसर्जन के नाम से जानते हैं। विसर्जन के दिन लोग गणेश जी की प्रतिमा को पानी में विराजित करने के लिए बड़ी धूमधाम से जुलूस निकालते हैं। इस दौरान लोग गाते बजाते नाचते हुए गणपति बप्पा को विदा करते हैं। विसर्जन के समय लोग यह प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी अगले साल फिर से उनके घर आए। विसर्जन की परंपरा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज क्षणिक होती है, चाहे सुख हो या दुख। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें एकजुटता, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जाता है। चाहे आप कहीं भी हो, गणेश उत्सव हमें याद दिलाता है
कि भगवान गणेश की कृपा से कोई भी बाधा पार किया जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए द डिवाइन ड्यूटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।